स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ए बी सी डी ई अ लाइन थ्रू बी एंड पैरेलल टू ए सी। ए सी के पैरेलल बी से एक लाइन प्रोड्यूस की गई। बी पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ। सो दैट मीन्स बी एफ इज पैरेलल टू किसके हो गया, ए सी के हो गया। शो दैट एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन देखें। ए बी सी डी इज अ पेंटागन और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, ए सी इज पैरेलल टू AC is parallel to BF। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है हमें। अब दो ट्रायंगल ली हमने, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF बोथ आर ऑन सेम बेस AC, ACB एंड ACF एंड बिटवीन सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए सी पैरेलल टू बी एफ। सो दीज हैव इक्वल एरियाज, सो एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड में हमें क्या करना है, ए डी एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। ध्यान दीजिए, अगर मुझे ए ई डी एफ लेना है इस ट्रायंगल में, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐड कर दूं तो ए ई डी एफ हो जाएगा, और अगर मैं इस ट्रायंगल में ये ऐड कर दूं तो ए बी सी डी ई हो जाएगा। दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। सेकंड के लिए ये तो था ही हमारे पास एरिया ऑफ ए सी बी, इसमें मैंने ऐड कर दिया एरिया ऑफ ए ई डी सी, एरिया ऑफ ए ई डी सी। सिमिलरली एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी, दोनों तरफ हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ दिस बिकम ए सी बी में हमने जब ये ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, ए बी सी डी ई। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ में ऐड करेंगे तो ए ई डी एफ, एरिया ऑफ ए ई डी एफ, यही हमने प्रूव करना था। हैंस पे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। लेट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल शेप ऑफ इतवारी लैंड ए बी सी एंड डी एंड ग्राम पंचायत वांट टू टेक सम पोर्शन ऑफ दिस लैंड टू मेक अ हेल्थ सेंटर। इतवारी एग्रीज टू द अबो प्रपोजल ओके विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लू ऑफ हिज लैंड एट ज्वाइनिंग हिज प्लॉट। इस प्लॉट के किसी भी कॉर्नर में से आप ले रहे हो तो दूसरे कॉर्नर में मुझे एक ऐसा प्लॉट दे दीजिए सच दैट सो एज टू फॉर्म ए ट्रैंगुलर प्लॉट, ट्रैंगुलर उसका ट्रैंगुलर प्लॉट बन जाए, चाहे वो इस कॉर्नर में दें, चाहे इसमें दें, चाहे इसमें दें, चाहे इसमें दें। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं विच मीट प्रोड्यूस डी सी एट ई। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। लेट ए बी सी डी इज प्लॉट ऑफ इतवारी एंड देन ड्रा बी ई पैरेलल टू ए सी।
बी ई पैरेलल टू ए सी, ज्वाइन ए ई, ज्वाइन ए ई. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एज ट्रायंगल ए सी बी एंड ए सी ई, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी ई आर ऑन सेम बेस, सेम बेस ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दैट इज ए सी पैरेलल टू बी ई, ए सी पैरेलल टू बी ई. सो एरिया ऑफ ए सी बी, सो एरिया ऑफ ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई, एरिया ऑफ ए सी ई, एडिंग ए डी सी, एरिया ऑफ ए सी बी, दोनों तरफ हमने ए डी सी एड कर दिया, प्लस एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई, ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ए डी सी. अब ए सी बी प्लस दिस इट गिव्स ए बी सी डी, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो उसका एरिया था, जो प्लॉट था, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई प्लस ए डी सी, इट इज ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. हमने क्या किया, इसका जो एरिया था ए बी सी डी किसके इक्वल हो गया, ए ई डी के इक्वल हो गया. तो हमने कौन सा एरिया दे दिया उनको, ए बी, ये वाला एरिया हमने ग्राम पंचायत को दे दिया, और ये वाला हमारे पास आ गया, इतवारी के पास आ गया, जो ये लाइन वाला है, ये वाला ग्राम पंचायत को दे दिया, ये वाला आ गया. अब इसका जो टोटल एरिया था वो इस टोटल एरिया के इक्वल हो गया, और क्या बन गई, ट्रायंगुलर शेप बन गई, ट्रायंगुलर शेप बन गई है. सो इन दिस वे, और अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ, लेट एफ दे देते हैं, इन दिस वे ए एफ बी, एरिया ए एफ बी गिवन टू पंचायत एंड एरिया एफ सी ई, एफ सी ई गिवन टू इतवारी, इनमें इसका जो एरिया है वो इतना ही रहेगा और ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12. चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.